नववर्ष के शुभ अवसर पर रतरैला में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में जन स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल शर्मा ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रवि नारायण तिवारी, पन्नालाल द्विवेदी, मुन्नीलाल कोल, रामचरण आदिवासी, राजीव सोनी, प्रीतम द्विवेदी एवं रामचरण द्विवेदी सहित कमलेश्वर सिंह भी उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन में श्री तिवारी के विचारों का कार्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को बताया। समूचे किसानों तथा आम जनों के लिए एरा प्रथा एक अभिशाप है। सड़कों से लेकर खेतों तक आवारा पशु खुले में विचरण करते हैं, जो लोगों की मुसीबत कर रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी और शासन प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। क्षेत्र में गोबर प्लांट लगाने से बायोगैस, जैविक खाद, प्लाईवुड डिस्टेंपर सहित सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे पशुपालकों एवं सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों को लाभ होगा और वहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने का खेल कर रही हैं। थोड़ी चर्चा करेंगे इस विषय में। आज जन अस्मिता यात्रा जो विगत 3 वर्षों से चल रही है, ये सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में नए वर्ष के इसकी शुरुआत में नूतन वर्ष पर आज जो ऐतिहासिक 20,000 लोग जो आप देख रहे हैं, जिसमें 4,000 से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें भी यहाँ हैं, इनको नए वर्ष में जो भी बन सका व्यवस्था मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा उनको सम्मान करने की व्यवस्था है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 150 आचार्य लोग जो शादी ब्याह से लेकर तमाम बातों में अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करते हैं उनको सम्मानित किया गया, सम्मानित पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। हमारे तमाम लोगों के लिए यथासंभव भोजन की व्यवस्था है और ये नया वर्ष है। गैर राजनीतिक कार्यक्रम आप देख रहे हैं, न कोई झंडा है, न कोई बैनर है, न कोई पार्टी है। कई हजार, 20,000 से ज़्यादा लोग जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं इस मैदान में, ये निश्चित रूप से इस बात के लिए आए हैं कि लक्ष्मण भैया चुनाव लड़ो, लक्ष्मण भैया इस विधानसभा का नेतृत्व करो। जमुना प्रसाद शास्त्री के बाद यहाँ ये सब काम अनोखा है। इस नाते ये सम्मेलन आज इस बात के लिए ऐलान कराया है कि मुझे सिरमौर विधानसभा से चुनाव विधानसभा का लड़ना चाहिए। पार्टी कौन सी होगी, ये हमने 30 दिन जनता के लिए मंथन का समय दिया और अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो अभी तक हमारे हैं, वो 30 दिन के अंदर गहन मंथन करेंगे कि हमें कौन सा राजनीतिक दल से, कौन सा पार्टी से, कौन सा स्थिति में हम चुनाव लड़े, इसका विचार करके आगामी फरवरी के महीने में इसी तरह का एक विशाल सम्मेलन सिरमौर में होगा और उस दिन ऐलान किया जाएगा कि किस पार्टी से कहाँ। हमारे मुख्य उद्देश्य नहरा प्रथा को रोकना, नौजवानों को काम दिलाना, टर्नल जो हमारा ऊंचे नीचे का एक गैप है, ये टर्नल की स्थापना कराना और हजार लिंगी जो यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है शंकर जी का मंदिर है और यह इसको ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाना, के साथ साथ सिरमौर में गोबर प्लांट की स्थापना करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ किसानों को, यहाँ के रोजगारों को काम दिलाना, बहुत सारे लोकल मुद्दे भी हैं जिसको हम सिरमौर में हम अपना 10 महीना पहले ही घोषणा पत्र बनाकर जारी करेंगे और उस दिन ऐलान करेंगे कि हम किस पार्टी से या बिना पार्टी का या पार्टी में कौन से पार्टी में चुनाव लड़ेंगे, ये उस दिन निर्णय होगा। आज 20,000 लोगों ने हाथ खड़ा करके ये समर्थन किया है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो हमने मंजूर किया है और हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मंजूर किया है। अब आगे कौन सा पार्टी में क्या करना है इसके लिए रूपरेखा हम तय करेंगे फरवरी के महीने में। आज इसी बात को ये ऐतिहासिक सम्मेलन जो आप देख रहे हैं कि बिना कोई नेता, बिना कोई बैनर, बिना कोई झंडा, बिना आज